मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में ग्रीनवुड करेंगे। इसमें हम चैप्टर 7 जो कि पोएम है वो करेंगे, पोएम एंड ट्री। इसमें जो पोएट है, कवि है, उसने पोएम यानी कविता की तुलना किससे की है? पेड़ के साथ। आई थिंक आई शैल नेवर सी ए पोएम एज लवली एज ए ट्री। जो कवि है वो नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी जो होते हैं वो कहता है कि जो पोएम है वो एक पेड़ के जितनी सुंदर होती है ये मैंने पहले नहीं देखा था। ए ट्री हूज हंग्री माउथ इज ब्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। मतलब कवि कहता है कि जो पेड़ होते हैं वो जब लहराते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो धरती को की तरफ अपना मुंह खोल रहे हैं उसको छूने के लिए। ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे। जो पेड़ होते हैं उनकी तुलना कैसे की है कवि ने, कि जो पेड़ ऐसे लगते हैं कि वो पूरा दिन भगवान को देखते रहते हैं, यानी कि आसमान को देखते रहते हैं। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। लीफी क्या होती है? पत्तों से भरी। पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती है ना, आर्म्स मतलब बाजू, यानी उसकी टहनियों की तुलना, ब्रांचेस की तुलना कवि ने किससे की है? बाजुओं से। तो कवि कहता है कि जो पेड़ों की टहनियाँ उसकी बाजुओं की तरह लगती है और ऐसे लगता है कि वो पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। ए ट्री दैट मे इन समर वियर ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। हेयर पेड़ के बाल, यानी कि जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनको, उनकी तुलना उसने बालों से की है कवि ने। और कवि कहता है कि उसमें जो गर्मियों में उसके में रॉबिन जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं उसके बालों में, यानी कि उसकी पत्तियों में। अपॉन हूज बॉसम स्नो हैज लेन। बॉसम मतलब जो बीच का हिस्सा होता है, लेन मतलब और पक्षी भी उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन। इंटीमेटली मतलब मित्रतापूर्वक, जो पेड़ होते हैं वो सबसे मित्रतापूर्वक रहते हैं, मतलब उसमें कोई भी पक्षी अपना रहने का स्थान बना सकते हैं, बारिश हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। और कवि कहता है कि जो कविताएं जो वो लिखता है जो मेरी तरह मूर्ख होता है। बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। लेकिन जो पेड़ है उनको तो सिर्फ भगवान ही बना सकता है, यानी कि इस कविता में पोएम में कवि ने पेड़ों को बहुत सुंदर बताया है और उसकी काफ़ी तारीफ की है। नेक्स्ट हम इसकी वर्कशीट करेंगे। वर्ड मीनिंग, लीफी पत्तों से भरा, बॉसम बीच का हिस्सा, रॉबिन पक्षी, अगेंस्ट खिलाफ, गॉड भगवान, लिफ्ट उठाना, लेन अन्य, इंटीमेटली मित्रतापूर्वक, फूल मूर्ख। क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर बेनिफिट्स दैट ए ट्री गिव्स अप। क्या बेनिफिट लाभ होते हैं पेड़ के? ए ट्री गिव्स अस मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स वूल ऑयल मेडिसिन फूड ग्रेन्स रबर एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ। इतनी सारी चीज़ें पेड़ हमें देता है और सांस लेने के लिए ताजी हवा भी। विद होम डिड द पोएट कंपेयर ए पोएम। किसके साथ कवि ने कविता की तुलना की है? द पोएट कंपेयर्ड ए पोएम विद ए लवली ट्री, एक प्यारे से पेड़ के साथ। राइट द नेम ऑफ द बर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। इस कविता में किस पक्षी के बारे में कहा गया है? रॉबिन। वेयर डज ए ट्री लुक, जो एक पेड़ होता है वह कहाँ देखता है? ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे, भगवान की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ वो पूरे दिन देखता है। नेक्स्ट राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग। इसमें राइमिंग वर्ड लिखने हैं आपको, सी ट्री, राइमिंग मतलब जो मिलते जुलते होते हैं, डे प्रे, लेन रेन, प्रेस्ड ड्रेस्ड, वियर फियर, मी ही, चूज एंड सूट एड सूटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। प्रीपोजिशन आपको भरनी है। ही वॉज लेट सो द बस लेफ्ट डैश हिम, इनसाइड या विदाउट।
इनसाइड मतलब अंदर, विदाउट मतलब उसके बिना, वो लेट था इसलिए बस उसको उसके बिना ही चली गई, यानी कि क्या आएगा इसमें विदाउट, उसको लिए बिना ही चली गई। मैनी पीपल ट्रेवल डैश ट्रेन बाय या इन, बहुत सारे लोग बस ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो क्या आएगा बाय, बाय मतलब से। एक कैट रेन डैश ए माउस, बिल्ली जो है चूहे के पीछे भागती है, आफ्टर या बिहाइंड, आफ्टर। यू कैन कम डैश फोर आवर्स, तुम 4 घंटे के अंदर आ सकते हो, अंदर को क्या बोलते हैं विद इन, तो क्या आएगा इसमें विद इन। आई लीव डैश कापसड़ा, मैं कापसड़ा में रहता हूँ, इन टू या इन, सही ऑप्शन क्या है इन। द कप इज डैश द प्लेट, जो कप है वो प्लेट के ऊपर है, ऊपर यानी कि ऑन, और एक ऑप्शन है अपॉन, इसमें आएगा ऑन, ये आपको फील करना है। थैंक यू।